नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन लाए हुए हैं हम नेटवर्क एनालिसिस में, और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इस लोड के अक्रॉस VTH और RTH की वैल्यू निकालना है, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज, या ये बोल दीजिए कि थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। VTH, RTH और RL लगा के जो थेवेनिन इक्विवेलेंट हमारा बनता है, ये RTH हो जाएगा, ये VTH हो जाएगा जिसने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी होगी, और फाइनली हम यहाँ पे फिर क्या लगा देंगे, RL लगा देंगे। तो कुल मिला के हमें जो कॉन्सेप्ट की बात करें वो RTH और VTH निकालना है। तो सबसे पहले हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं कि किस तरीके से इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता होगा कि जहां वोल्टेज सोर्स लगा होगा उसे शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स लगा होगा तो ओपन कर देंगे, और अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता तो बस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते, करंट सोर्स को ओपन करते और लोड रिमूव करके आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते पैरेलल और सीरीज वाले कॉन्सेप्ट से। लेकिन जहां पे डिपेंडेंट सोर्स लगा रहता है तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट हम RTH नहीं निकाल पाते हैं। वहां पे हमें क्या करना है, प्रोसेस वही है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, लेकिन कौन से, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस को, करंट सोर्स को ओपन कर दो और लोड को रिमूव कर दो। अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि जहां लोड लगा था उस लोड की जगह एक वोल्टेज सोर्स लगाओ V, और उसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक करंट मानो I, और कुछ भी करके V अपॉन I निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडिपेंडेंट सोर्सेज में हमने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, इस करंट सोर्स को ओपन किया और लोड को रिमूव करके एक वोल्टेज सोर्स लगाया V, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट की मानी I। और देखिए बाकी डिपेंडेंट सोर्सेज में हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे थे वैसे के वैसे रखे हैं। अब हमें कुछ भी करके V अपॉन I निकालना है, और V अपॉन I निकालने की प्रोसेस वही होती है जो हमने X मेथड, जिसे हम एक ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, X मेथड हमने नेटवर्क एनालिसिस में बताई हुई है, और उस मेथड से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए यहां से कितनी करंट जा रही है, I करंट जा रही है। जब यहां से I करंट जा रही है तो नीचे तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। इस I करंट में से 4x चली गई ऊपर, तो बची कितनी रही, I माइनस 4x। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये करंट बची रही I माइनस 4x। एक बार चेक जरूर कर लिया कीजिए कि सही हुआ कि नहीं। इनकमिंग करंट कितनी है I, आउटगोइंग करंट है 4x और I माइनस 4x, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, 4x और I माइनस 4x को जब जोड़ोगे तो ये इनकमिंग करंट के बराबर आ जाएगा। 4x से 4x कैंसिल, इनकमिंग करंट, कभी गलती ना हो, डायरेक्शन उल्टी ना हो जाए। तो आउटगोइंग करंट को जोड़ो, इनकमिंग करंट के समेशन के बराबर आना चाहिए, यहां इनकमिंग एक ही है। तो ये करंट हमें मिल चुकी है कितनी, I माइनस 4x। यहां से I माइनस 4x आई, और ऊपर से कितनी चली आ रही है, 4x करंट चली आ रही है। यहां से कितनी करंट आ रही है, x। अब इस नोड पे इनकमिंग करंट एक तो x है, एक I माइनस 4x है, एक 4x है, और इधर से जो करंट जा रही है वो कितनी है, 2x है। मतलब इस नोड पर चारों ब्रांच की करंट हमें मिल चुकी है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग वही KCL हम अप्लाई कर दें, ये इनकमिंग, ये इनकमिंग, चारों इनकमिंग है, तो चारों का समेशन जीरो हो जाना चाहिए। तो x प्लस, ये x आ गई, प्लस 4x प्लस I माइनस 4x, और प्लस ये कितनी हो गई, 2x, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। चारों करंट का समेशन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि चारों की चारों इनकमिंग है। तो यहां से अगर हम जोड़ें, x प्लस ये 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2x हो जाएगा 3x, तो I इज इक्वल टू आ चुका है -3x। एक चीज हमें पता चल चुकी है, मतलब I और x में रिलेशन मिल गया। आप कुछ भी करके अगर V और x में भी हमें रिलेशन मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब फिर से वही दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाना है कि ऐसा लूप ढूंढिए जिसमें कोई करंट सोर्स ना हो और V हो। तो देखिए अगर हम इस लूप की बात करें तो करंट सोर्स आ रहा है, इस लूप की भी बात करें करंट सोर्स आ रहा है, इस लूप की बात करें तो ओपन है, यहाँ पे हमें करंट ही नहीं पता, करंट तो पता है लेकिन यहाँ का वोल्टेज नहीं पता है। तो अगर हम इस लूप की बात करें, इस बड़े लूप की बात करें, तो ना तो यहाँ कोई करंट सोर्स आ रहा है, और आसानी से हम x और v में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहां से हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले मिलेगा माइनस v, फिर आगे बढ़े तो देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, करंट कितनी आ रही, I माइनस 4x, इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1, तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा तो I माइनस 4x ही रहेगा। तो वोल्टेज पे हम सर्किल कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो कि वोल्टेज लिखा कि करंट लिखा। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए ये x करंट इस तरफ को जा रही है, तो ये प्लस ये माइनस कितना वोल्टेज होगा, 4x होगा। अब आप KVL लगा लीजिए, देखिए इधर से जाना है, इधर से तो पहले माइनस साइन मिला तो माइनस v, और फिर कौन सा साइन मिला, प्लस, प्लस साइन में क्या है, I माइनस 4x, ये वोल्टेज हो गया,
और फिर मिला माइनस साइन, तो माइनस कितना हो गया, 4x हो गया, और फिर यहीं के यहीं लौट के आ गए, दैट विल बी इक्वल। तो यहां से हम देखेंगे कि माइनस वी प्लस आई इज माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो यहां से v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका i माइनस 8x, मतलब हम v को दूसरी साइड ले गए। और यहां देखिए i माइनस 8 इंटू x की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस i बाई 3, तो यहां माइनस i बाई 3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा i प्लस 8 बाई 3 इंटू i, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 8 बाई 3 कितना हो जाएगा 11 बाई 3 इंटू आई, दैट इज इक्वल टू वी। तो यहां से हम देख रहे हैं वी अपॉन आई इज इक्वल टू आ गया 11/3, यही हमारा हो गया है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए यहां से RTH की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 11/3 ओम। अब हमें निकालना है यहां से थेवेनिन वोल्टेज, और थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए हमें थेवेनिन वोल्टेज इक्विवेलेंट के लिए लोड को रिमूव करना पड़ेगा, बाकी सब वैसे ही का वैसा, कोई चेंज नहीं करना है। तो इसको हम इसी में कर देते हैं, यहीं से लोड को कर देते हैं रिमूव, और इसके अक्रॉस वोल्टेज को हम क्या मान लेते हैं VTH। प्रोसेस हमने आपको बताई थी कि पहले तो ग्राउंड मानिए, दूसरा जैसे कि हमने प्रीवियस चैलेंजिंग क्वेश्चन में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए, तो ग्राउंड मानने के बाद आप हर एक ब्रांच की करंट कैलकुलेट कर लीजिए। करंट आपके पास हर ब्रांच की अगर मिल जाएगी तो आपका क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। तो यहां पे देखिए कि इस ब्रांच में करंट गई हुई है कितनी, 3 एम्पियर, और ऊपर वाली में गई हुई है 4x, तो यहां 3 यहां 4, तो टोटल कितनी आई होगी यहां से 3 प्लस 4x। हर बार मैं बोलता हूं कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब कोई कैलकुलेशन करते हो तो रीचेक करते जाइए, क्योंकि पर्टिकुलर गेट एग्जाम में टाइम तो बहुत रहता है, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आपके पास उसमें टाइम बहुत है तभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए। कैसे, आप देख लीजिए कि ये दो करंट आउटगोइंग करंट है और एक करंट जो है वो ये इनकमिंग करंट है इस नोड पर, बाकी यहां तो कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ओपन है। तो आउटगोइंग करंट का समेशन इनकमिंग करंट के इक्वल आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमने जो कैलकुलेशन की वो सही है। अब आप देखिए इस ब्रांच की करंट हमें दिख ही रही है, इस ब्रांच की करंट दिख रही है, इस ब्रांच की करंट दिख रही है, सारी ब्रांचेस की करंट जो है वो हमें पता चल गई। यहां पे हमें एक चीज और पता चल गई है कि हमने तो KCL से ये करंट निकाली इस नोड पर, लेकिन इस नोड पर भी हमें चारों ब्रांचेस की करंट ऑलरेडी पता है, यानी कि यहां पे भी अगर हम KCL लगा दें तो एक्स की वैल्यू मिलने के चांसेस हैं। देखिए इनकमिंग करंट एक तो एक्स है, प्लस एक इनकमिंग करंट 2x है, एक और इनकमिंग करंट 4x है, और आउटगोइंग करंट कितनी है 3 प्लस 4x। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x, ये 4x से 4x कैंसिल हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें VTH निकालना है। VTH के लिए जैसे कि हमने टू पोर्ट नेटवर्क वाले क्वेश्चन में, अभी प्रीवियस चैलेंजिंग क्वेश्चन जो अपलोड किया था उसमें भी बताया था कि जब V1 और V2 की इक्वेशन निकालते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि V1 की इक्वेशन निकालना है तो ऐसी इक्वेशन निकालेंगे, ऐसा लूप ढूंढेंगे जिस लूप में कोई करंट सोर्स ना हो और V1 आ जाए। तो उसी तरीके से आप VTH की वैल्यू निकालना है तो एक ऐसा लूप ढूंढ लीजिए जिसमें कोई करंट सोर्स ना हो, VTH आ जाए। तो देखिए इसमें तो करंट सोर्स है क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज ही नहीं पता रहता है, तो KVL कैसे लगाओगे। इसमें भी देखेंगे इस लूप में तो ये करंट सोर्स है, सबसे बड़े लूप में देखिए यहां पे कोई करंट सोर्स नहीं है, तो KVL हम यहां से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो सबसे पहले तो आएगा माइनस VTH, फिर देखिए यहां पे कौन सा साइन मिला, प्लस 4। अब ये करंट देखिए लेफ्ट से राइट जा रही है, मतलब लेफ्ट पे प्लस होगा, यहां माइनस होगा, ये करंट है 3 प्लस 4x, रेजिस्टेंस है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 4x वोल्टेज आएगा यहां का। तो हम यहां से चल रहे थे, ये पहले पॉजिटिव मिला था फिर नेगेटिव मिला, तो -3 प्लस 4x ब्रैकेट में आ गया, उसके बाद फिर इधर आ गया, तो देखिए एक्स करंट इधर जा रही है तो ये प्लस माइनस 4x वोल्टेज हो गया, तो इस साइड चले तो फिर माइनस साइन तो -4x, फिर आगे आए तो ये 2 वोल्ट हो गया तो +2, और फिर आगे आए तो वहीं के वहीं आ गए, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हम देखेंगे माइनस VTH प्लस 4 माइनस 3 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0। माइनस VTH प्लस, यहां देखिए 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, और ये माइनस हो गया 8x, दैट इज इक्वल टू 0।
VTH को दूसरी साइड ले जाएंगे तो VTH इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 8x, x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो VTH इज इक्वल टू आ गया 3 - 8 × 1 दैट इज इक्वल टू 3 - 8, तो ये आ जाएगा -5 वोल्ट। हम आपको जब स्टार्टिंग में नेटवर्क एनालिसिस में आप लोगों ने प्लेलिस्ट देखी होगी तो उसमें भी बताया था कि VTH RTH दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं और पॉजिटिव भी आ सकते हैं, तो ये और एक कोई नेगेटिव एक कोई पॉजिटिव भी आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे VTH और RTH आपका आ चुका है तो अब आप बहुत आसानी से थेवेनिन इक्विवेलेंट भी बना सकते हो। आप लिख सकते हो कि ये VTH है, ये RTH है और यहाँ पे आपका RL है। इसकी वैल्यू रख दो आप -5 वोल्ट, इसकी वैल्यू रख दो आप 11/3 ओम। अगर आप माइनस साइन हटाना चाहते हो, 5 वोल्ट रखना चाहते हो, तो पोलरिटी पलट दो, ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो इस सर्किट का ये इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुका है। तो इसी तरीके से और भी हम चैलेंजिंग वीडियोस लाते रहेंगे, इनमें कुछ हम ट्रिक्स बताते हैं। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुरानी वीडियो की लॉजिक रहती है। और वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेस की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेस की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।